नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं हूं साक्षी और आज नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। आईडीए द्वारा बनाए गए शहीद स्मारक पार्क का लोकार्पण 26 जनवरी को मुख्यमंत्री कमलनाथ करेंगे। पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च, शहीद जवानों की प्रतिकृति और शहादत से जुड़ी जानकारी मिलेगी। इंदौर के ब्रदर्स क्लब भाव शिंदे परिसर में हुआ वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन, इंटर स्कूल और ओपन के बालक बालिकाओं ने लिया हिस्सा। लखीमपुर खीरी के मथना गांव में दबंगों ने घर में घुसकर की महिलाओं की मारपीट, महिलाओं का वीडियो हुआ वायरल, मामले में पुलिस ने अभी तक नहीं की कोई कार्रवाई। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए शहीद स्मारक पार्क का लोकार्पण 26 जनवरी को मुख्यमंत्री कमलनाथ करेंगे। पार्क का काम पूरा हो गया है, अंतिम दौर में फिनिशिंग चल रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस पार्क में एक गैलरी भी बनाई गई है जिसमें इंदौर के शहीद जवानों की प्रतिकृति और शहादत से जुड़ी जानकारी होगी। पूर्वी रिंग पर तैयार किए गए इस पार्क में दर्शकों के बैठने के लिए भी गैलरी बनाई गई है। स्मारक पार्क का गेट गेटवे ऑफ इंडिया की तर्ज पर बनाया गया है। यहां विद्यार्थियों को देशभक्ति शहादत के बारे में जानकारी दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। इंदौर के ब्रदर्स क्लब भाव शिंदे परिसर में पहलवान गुलाम नमी साहब की स्मृति में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में इंटर स्कूल और ओपन के कई बालक बालिकाओं ने हिस्सा लिया। आयोजन में योगेंद्र प्रताप सिंह सिसोदिया, ललित वर्मा, राष्ट्रीय खिलाड़ी इमरोज खत्री, राहुल यादव, मंसूरी अली बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। लखीमपुर खीरी में पुरानी रंजिश के चलते कुछ दबंगों द्वारा महिलाओं से घर में घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। दबंगों द्वारा महिलाओं से मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। लखीमपुर खीरी के मथना गांव में कुछ दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। दबंगों द्वारा इस मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। जानकारी के मुताबिक दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते महिलाओं के साथ मारपीट की है। महिलाओं से मारपीट करने वाले दबंगों का नाम सरजीत, मुकीम, मिनाज और अफसान बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। बिसलपुर में कोतवाल ने एक पीड़ित से अभद्रता की। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने उसकी मदद करने के बजाय उसके साथ अभद्र व्यवहार कर उसे थाने से भगा दिया। इसी बात को लेकर पीड़ित ने सैकड़ों लोगों के साथ मिलकर थाने पर जमकर हंगामा किया। बिसलपुर के आजमपुर बरखेड़ा गांव में रहने वाले मोहन नामक व्यक्ति का बेटा देर रात तक घर नहीं लौटा। अपने बेटे को बहुत खोजने के बाद भी जब वह नहीं मिला तो मोहन इस बात की जानकारी देने कोतवाली पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके साथ अभद्र व्यवहार कर उसे थाने से निकल जाने के लिए कहा। इसी को लेकर मोहन जिला अध्यक्ष हरपाल लोधी और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली पहुंच गया और जमकर हंगामा कर धरने पर बैठ गया। बिसलपुर से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट। परिसर में जो धरना दिया गया, किस संबंध में दिया गया? क्षेत्र का आजमपुर बड़खेड़ा गांव का एक बच्चा जो कि कल सुबह 8 बजे से अपने घर से निकला था, घर पे नहीं पहुंचा, जो कि गायब था, जिसके संदर्भ में बच्चे के परिजन कोतवाली में मध्य रात्रि 2-3 बजे के लगभग गए थे, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। काला पीपल की एक स्कूल बस ने कोहड़ी गांव में एक बच्ची को टक्कर मार दी। हादसे के बाद बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद ड्राइवर बस लेकर मौके से फरार हो गया। काला पीपल के टैगोर कॉन्वेंट स्कूल की बस ने कोहड़ी गांव में रहने वाली कनक नामक की 7 वर्षीय बच्ची को टक्कर मार दी। हादसे में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए भोपाल ले जाया गया। यहां इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद ड्राइवर बस लेकर मौके से फरार हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने बस ड्राइवर को ढूंढ कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। काला पीपल से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। कल शाम 6:30 बजे करीब टैगोर स्कूल की बस MP42P0420 के ड्राइवर हेमराज द्वारा बस को लापरवाही पूर्वक चलाकर एक कनक नाम की बच्ची उसका एक्सीडेंट कर दिया था, जिसकी जो है हॉस्पिटल पहुंचते डेथ हो गई थी। अपराध दर्ज किया गया, बस को हमारे द्वारा ले लिया गया, कब्जे में आरोपी की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जा चुकी है। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ।